कि खिचड़ी टू मूवी के शूटिंग के दौरान मैं यकीन मानिए कि इससे बड़ा कोई पिकनिक नहीं हो सकता जिंदगी में। हाँ चैलेंजेस होती है, हमने भूज में जाकर के शूट किया, हमने इतना बड़ा सेट लगाया फिल्म अपना फिल्म सिटी में 30,000 स्क्वायर फीट का पूरा हमने एक पान थुकिस्तान शहर बनाया। लेकिन जैसे ही सेट पे आए, एक तो हम लोग बहुत खाना पीना खाते हैं उस मामले में, तो बाप रे बाप, मतलब जयश्री जो होती है ना, जैसे हमारी बास्केट्स खुलती है, इट इज एक्चुअली एवरी डे अ पिकनिक। और स्क्रिप्ट पूरी हार्ड बाउंड होती है, सबके पास होती है, लेकिन वो ऐसे लेकर के पढ़ने ना पढ़ने के पीछे भी एक विज्ञान है। वो विज्ञान बहुत सिंपल है कि आप मत करो ना टेंशन, वो लेट्स मेक इट अ किंडरगार्टन। आप अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकालो। किंडरगार्टन में कभी किताबें नहीं खुलती, किसी को जो है वो बुक नहीं दी जाती। एक टीचर होता है और टीचर जो है और या होती है, और वो जो कि उनको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाती है, ये लोग सब सीख, लेकिन वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हर बच्चा अपने अंदाज में बोलता है। तो ये हमारा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है, जिसमें एवरीबॉडी गेट्स इनटू देयर कैरेक्टर। और रीडिंग के दौरान इतना अभी जैसे ये डायलॉग था, क्या तो वो हाथ उठाएगी तो देखूंगी ना, कितनी बार हंसी ये खुद ही, तो हम कट कट करके कोई गुस्सा और एक करते हैं, बिकॉज वो जितना खिलता गया और वो जो बिहाइंड द सीन वाली जो एक एनर्जी होती है, वो आपस में इनको तो इन्फेक्शन है कभी कभी। तो बाप रे, ये अनंग भाई तो एक बार चालू टेक में और हंसने लगे तो उल्टे हो गए और कंटिन्यू किया, तो मैंने भी कट नहीं बोला। और फिर मैंने बोला, आनंद भाई आपको क्या लगा आप उल्टे घूम गए, तो क्या आप कैमरा में दिखाई नहीं देगा, आप कट तो बोलो। और फिर उनकी मूछें निकल जाती है तो धोती उठा के ऐसे मूछ को पकड़ कर, तो ऐसे ऐसे वाक्य होते हैं। और वो इसलिए होते हैं कि हम जब रीडिंग करते हैं ना, तो ये लाइन निकाल दो ना, इसकी जगह पे ये बोलो, तुम ये रिएक्ट करो ना, या फिर आर्टिस्ट भी खुद अपने आप से मतलब किक्कू जी मैं बता रहा हूं आपको, एक 20 लाइन का मोनोलॉग इस बंदे ने एक टेक में, हमारी लाइट जा रही थी, हम सॉल्ट अपना व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड, नहीं सॉल्ट डेजर्ट, व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट, लाइट जा रही थी, लास्ट दिन शूटिंग का था और 20 लाइनें थी, और इन्होंने एक टेक में, आई एम टेलिंग यू वी हैव टू क्लैप फॉर दिस मैन, एक टेक में इन्होंने धाड़ 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 धाड़। कीर्ति के साथ हम शूट कर रहे थे, वो लोकेशन उसी दिन था, और कीर्ति जी को मैंने बोला कि कीर्ति ये ना अभी वाला जो सीन कर रहे हैं ना, उससे पहले का एक सीन बाकी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीन, मैंने जेडी को फोन किया कि जेडी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये सीन ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने बोला योर कॉल। मैंने कीर्ति को बोला कि यार, बिकॉज शी इज डूइंग अ वेरी वेरी स्पेशल अपियरेंस, तो ये सीन, व्हाट वॉज ब्यूटिफुल अबाउट इट वॉज, शी सेड या इट्स इनकन्सिक्वेंशियल, अगर इससे कुछ होने ही नहीं वाला है तो लेंथ कहाँ देखने बैठी हूँ मैं, ये सीन को जो है जमा के करते हैं। ये केमिस्ट्री जो है ना, ये बहुत रेयरली मिलती है। कीर्ति का मेरा एक सीन है, मैं बोलना चाहूँगा इफ कीर्ति परमिट्स, और आप मीडिया के लिए, बिकॉज हम फैमिली फिल्म बोल रहे हैं, एक हमारी किस की बात है, एक पप्पी वाली किस की बात है, फैमिली फिल्म है, सिर्फ बात ही रह गई। पर आप देखोगे इससे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हिंदुस्तान की किसी भी फिल्म में आपने कभी ऐसा किस नहीं देखा होगा। आई मीन इट। आप देखिए, अभी बच्चे आपको बच्चे बोलेंगे, और बिल्कुल इसको यू सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा किस है, आई मीन इट। अगर इसमें सबको मालूम है, कहाँ ढूंढ लेना हमको, अगर आपको हमारी बात गलत लगे, तो आप है, हम है, और बाकी कीर्ति जी का नंबर मैं दे देता हूँ आपको, कीर्ति जी का नंबर हम दे देते हैं आपको। ये आप वाला किस कौन सा होता है? आप देखेगा, देखिए अभी तक इनको किनको भी पता नहीं, खिचड़ी में आता है। आप देखिएगा एक सच में क्या सीन है, लव सीन है, उसमें कैसे किस हुआ है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन जो होते थे ना, वो बहुत अहम होते थे, और मुझे लगता है हमारी जो खिचड़ी बनती है वो उन इम्प्रोवाइजेशन पे ज्यादा बनती है। वो स्क्रिप्ट जो हमारे पास आतिश लाते हैं, और फिर आतिश जो उसमें मसाले डालते रहते हैं, उससे हमारी खिचड़ी बनती है। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इसीलिए अभी किसी ने बोला था ना कि बिरयानी बन गई है, बिरयानी नहीं बनी है, खिचड़ी खिचड़ी है, ज्यादा मसालेदार है, बट खिचड़ी हमेशा खिचड़ी ही रहेगी, और घी बहुत ज्यादा है। आपको और एक बताऊं, सिर्फ इम्प्रोवाइज वहां नहीं होता है, मजेदार बोलता हूँ, इसकी एक लाइन के साथ बोलता हूँ आपको, अब ये सस्पेंस खोल रहे हैं बिहाइंड द सीन वाला, पर इसलिए क्योंकि आप यहाँ से मजे करके जाए, हंस के जाए, और आपको लगे पता चले क्या माहौल हमारा हर जगह होता है। हम जब थिएटर में खुद देखने जाएंगे, वहां भी हम चार चीज और करेंगे। एक आपने ट्रेलर देखा, डबिंग में भी इम्प्रोवाइज होता है, डबिंग करते वक्त भी हो चुका है शूट, पर ये सस्पेंस है, अभी बाहर मत बोलना। एक डबिंग में लास्ट में देखा ना, जैसे वंदना बोलती है
क्या बिस्तर में चूमेंगे? राजीव ने बोला हाँ सबको बिस्तर में चूमेंगे, वो तो हो गया। तभी एक क्राउड का शॉट है, तो एक बोले सबको चूमेंगे, मैंने तो दाढ़ी भी नहीं बनाई। ये शॉट वहां नहीं लिया गया था, ये डबिंग में आते हैं इम्प्रोवाइज किया, और उसके बाद वो शॉट, वो क्राउड के शॉट निकाल के उसको एडिट करके वहां लगाया गया। सो खिचड़ी फ्रेश है, मेरा कहने का मतलब देखो मैं तो मार्केटिंग करता ही रहूंगा, बोलता रहूंगा खिचड़ी के, देखिए खिचड़ी कितनी फ्रेश है और क्यों फ्रेश रहेगी सालों सालों तक, खिचड़ी टू, ये बात करनी है अब। और खाली इसमें इतना ऐड कर दूं कि इसमें भी हमने स्टीरियोटाइप तोड़ा कि भाई मैंने उसको 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 राजा को किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर वेरी इंक्लूसिव, उसको हाइजीन के प्रॉब्लम है। यार पहले बोल दिया होता तो मैं दाढ़ी मुझे एंड वी मीन इट, और वो डब करते वक्त भी मैंने बोला, मैंने कहा यू से इट लाइक यू हैव टू, डोंट ट्राई टू यू नो मेक इट अ स्टीरियोटाइप। ऑफ कोर्स इट्स अ मैन वांटिंग टू के सबको चूमेंगे, अरे मैंने दाढ़ी भी नहीं बनाई, बोलता तो मैं बना के आता ना, कंसर्न ही अलग है। सो वी आर वेरी इंक्लूसिव एंड आई मीन इट, वी आर वेरी इंक्लूसिव and there is nothing that you know we want to again breaking a stereotype, uska hygiene problem, aur wo isliye hansi aati hai, koi koi log bolenge wo jo hote na those who can they get a life, those who can't they troll, wo log bolenge ki acha matlab aap mazak uda rahe ho ek mai, are kaha, open your mind and just watch na ye pani pani, thank you so much, chaliye bol bol ke mera gala sook gaya hai abhi, sorry main are yes main abhi yaar main bol raha hu कि आपको ये थैंक यू क्यों बोल रहे हो, आप जा रहे हो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, नहीं पिक्चर तो बाकी है, नहीं नहीं मैं खाली बता रहा था कि मेरा गला काफी सूख गया, काफी देर से बोल रहा हूँ मैं नहीं, बट जस्ट टू एंड इट आई इतना तो मैं बता दूं कि इनके साथ एसोसिएट करना मेरा बहुत बहुत टाइम से मेरा बहुत दिल था। मेरे ख्याल से हमने काफी चीजें डिस्कस भी की टीवी पे भी, ये भी समहाउ कुछ बैठ नहीं रहा था या कभी हुआ नहीं, बट मैं आप इनकी जर्नी की अगर बात करें तो वो सेम जर्नी हमारी भी है, क्योंकि हम भी 21 साल से शो देखते भी आए हैं, तो इट्स द सेम जर्नी। सो मैंने बहुत इन्जॉय किया है, और मुझे हमेशा इनकी मतलब अदाकारी तो सभी की कमाल की है, बट द राइटिंग, मतलब आतिश भाई हैट्स ऑफ टू यू यार, मतलब हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू, हैट्स ऑफ, बिकॉज आई रियली फील के क्या होता है कॉमेडी के अंदर ना, वो इमोशन को अलाइव रखना, मतलब आप बात कह भी गए हो और एक बड़ी बात कह गए हो हंसते हंसते, ये सबके बस की बात नहीं होता लिखने में, तो ये आप कमाल करते हो भाई, कमाल करते हो, थैंक यू, थैंक यू। जेडी जेडी हियर जेडी, वो आप फिल्म देखेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, एक फिक्टिशियस नेशन, ताकि किसी और देश को ऐसा ना लगे कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम सिर्फ कुछ चीजों को बोल रहे हैं कि देखो ये गलत है, तो उसके लिए हमने एक फिक्टिशियस नेशन क्रिएट कर दिया ताकि ऐसे किसी को बुराई ना लगे। और फिर पान तुर्किस्तान के पात्रों के आप नाम सुनेंगे तो आपको जैसे और मजा आएगा कि इमाम खाके थूक नवरत्न वैसे वैसे। हाँ एक बात हम खास कहना चाहते हैं, क्या होता है एक माहौल, किसी के एक हम विजिट पे गए थे, एक किसी ने एक मैसेज भेजा, दोस्त यार इतना तो इज्जत रख लेता तो अच्छा हो गया, आपने नहीं रिचार्ज कर दिया उन्होंने।